वार्ड 32 में डेवलपमेंट का एक ये भी बोर्ड लगा हुआ, पढ़ सकते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ सुशील नगर पार्क वार्ड नंबर 32, और यहाँ पर नाम लिखा गया है। अंदर चल के देखते हैं कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर इलाके में जब पार्क होंगे लोगों के लिए, सैर के लिए, बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क जो होते हैं वो खास तौर पर सैर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वॉकिंग स्ट्रिप है वो आपको नज़र ही नहीं आएगी, उस पर घास पूरा जमा है, ये पोल्स लगे हैं बिजली के, और ये बिल्कुल खुला है, मतलब आप लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। इसको कवर करना चाहिए था, ये पार्क है, ये किसी भी हादसे को निमंत्रण दे रहा है तो इसको कवर करके रखा होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक पार्क है, ये चलने की जगह हैं। और ज़रा ये देखिए आप, जिन कुर्सियों पे बैठना है लोगों ने, वहाँ झाड़ियाँ और बेलें जो हैं उन्होंने इसको लपेट लिया हुआ है, घास कई कई फीट तक ऊंचा है, और ये कुछ हालात हैं यहाँ पर। शायद कोई सैर करने भी नहीं आता होगा। ओपन जिम की तरफ आपको लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं किस तरह से है ओपन जिम, क्या लोग यूज़ करने की कंडीशन में है वो ओपन जिम। वहीं ये पार्क में दूसरी और ओपन जिम्स का मैं जिक्र कर रहा था वो आपको दिख जाएगी सामने, वैसा ही पाथ, एक वॉकिंग पाथ है, इसको चलते हुए ओपन जिम की तरफ जाना है। मशीन्स जितनी भी ओपन जिम के लिए अलॉटेड थी वो सभी लगी हुई हैं। दूसरी बात, बिजली की जो कहते हैं बिजली को ज़ाया करना, वो यहाँ पर दिख रहा है। आप बड़ा सा एक पोल ये देख रहे हैं लाइट्स के लिए लगाया गया, जो रात के समय लाइट्स यूज़ होनी है वो भी दिन के समय भी लाइटें जल रही हैं। कौन बंद करेगा इसको? ये साफ तौर पर ये भी दायित्व बनता है इलाके के लोगों का, या फिर जो लोग ये पार्क को मेंटेन करते हैं उनके पर, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेम वैसे ही इन चेयर्स पे बैठना है लोगों ने, लेकिन बेलें उग गई हुई हैं, साफ दिख रहा है कि लंबे वक्त से कोई यहाँ बैठता ही नहीं है। अगर बैठता हो तो ये झाड़ियाँ बेलें वगैरह उखाड़ दी जाएँ। वहीं ओपन जिम कहने के लिए लगा दी हुई है, और मशीनों की हालत से दिख रहा है कि इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। लोहे की हैं, खुले में हैं, जंग लग सकता है, लेकिन फ़िलहाल हर वार्ड में एक ओपन जिम दी गई है, ओपन जिम यहाँ पर है। लेकिन क्या लोग इसे इस्तेमाल करते हैं या फिर इस पार्क को इस्तेमाल करते हैं, वो तो तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी मुझे बताइए, आप खैर लाइट की तो आपको यहाँ पर तारे ठीक लग रही हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में कंडीशन क्या लाइट की? सर लाइट तो ठीक है, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर इधर जो हमारे घर बिल्कुल हमारे रोड पे घर है, रोड के सामने हमारे ट्रांसफार्मर है, ठीक है सर। गर्मी में कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब इधर अग्नि नहीं लगती है, आग लगती ही लगती है। वो वजह क्या है, मतलब क्यों? मतलब सारे सर्किट होता रहता है, तारे देखो ना कैसे लटक रही हैं इसकी इधर उधर से, जब एक दूसरे के साथ सर्किट होती है टच होती है तो आग लग जाती है। डर है इधर, हमें बहुत खतरा है, बहुत खतरा, बहुत ज़्यादा, इतनी जोर जोर के आवाज़ आती है, आग लग जाती है। कितनी बार आग लगी है इससे? तो खतरा शायद घरों को भी हो जाता होगा। हाँ, घरों को भी है, खतरा क्यों नहीं है? तो आप लोग उस समय फिर सभी मतलब मिलकर आग बुझाते हैं? मिलकर, यही बेचारे इनको तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते बिजली वाले कि हम इसको देखें या कुछ करें? देखना कहाँ, बुझाने का आपको कोई वो ऐसा टूल दे देना? नहीं, कोई नहीं आता इधर। इस तरह से बरसात का पानी जमा हो जाता है, और जो टाइल वर्क है वो यहाँ से शुरू हुआ है, और इसके ठीक नीचे एक नाला भी है, लेकिन अगर नाला चलता हो तो ये पानी क्यों रुके ऊपर? लोगों से पूछते हैं कि क्या कंडीशन है, ये नाले से पानी नहीं जाता अंदर से? बाहर निकली जाता पानी सारा, बड़ा गंदा है, कचरा बड़ा है। नाला कटने की जगह देने रखी नहीं है? कोई नहीं रखी है, किसने रखी? पानी क्या निकलता है? पानी निकलता नहीं है, बस इं पता नहीं कुछ कुछ पानी चली जाता, कोई पता नहीं चलता है। क्या थोड़ा पूरी कर देना, कोई टलाई नहीं, कोई छड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ी ज्यादा बरखा आंदी है उल्ले क्या किन्ना पानी होता है? ओले पानी सुद्दा होता था, यूं तो सिमाई गया ओले ना होता है, तो किन्ना करे अंदर बढ़दा पानी? हां बढ़ी जंदा, यूं तो बेचारे निंदे होता बढ़ी जंदा। तो थोड़े कॉर्पोरेटर ने जेड़े ओ आंदे ने इथे चक्कर पकलान पुछन दिखन समस्या तोड़ी गलबात पुछन, कोई जा ने बुलाने ते फिर उने आना ही आपे आपू नहीं चक्कर लाना, आपू नहीं लाना, आपू नहीं आंदे। ये देख लो, आओ थोड़ा आगे तक देख लेते हैं, क्या गलियां जो हैं जो टाइल्स कुछ तो डली हुई हैं, लेकिन जो नाला बंद है, नाला जो है वो उसमें निकासी की, नाला साफ करने की जगह ही नहीं छोड़ी हुई है। तो साफ तौर पे जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात के पानी आता है या फिर इसके अंदर जो मलबा है वो कैसे निकालना है? नाला तो पूरा कवर कर दिया हुआ है, तो किस तरह का ये काम है? और ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों के घरों में काफ़ी पानी आता है और लोग बड़े परेशान हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग इलाके हैं। कुछ और स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवन कृष्ण कोल है। कोल साहब, कॉर्पोरेशन के साथ आपका एरिया है वार्ड नंबर 32? हाँ सर, हाँ सर। कुछ बेनिफिट
नहीं कहाँ बेनिफिट तो अगर होता ना, हमने नालियाँ तो बनी है 7-8 साल पहले, और सड़क जो है बिल्कुल खस्ता हालत में, गड़े आप खुद देख रहे हैं पानी कितना कितना जमा हुआ है। हमने कई बार तो हम गए भी कि पूछा उनसे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर हमने आपको खड़ा किया है लेकिन आपको तो ध्यान रखना था इसका, लेकिन वहाँ से जवाब नजर सिर्फ कहा कि हाँ जी पैसे सैंक्शन हो गए हैं। सैंक्शन करते करते हमें तकरीबन साल भी हो गया तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कम से कम सड़क का ख्याल रखे, बूढ़े आदमी हैं, चलते हैं गिर जाते हैं, गड्ढे इतने बड़े हैं कहने की बात ही नहीं। मैं कह रहा हूँ तकरीबन 2-4 फीट तक पानी तो जमा होता है हर एक मकान के सामने। अच्छा। निकलने के लिए जगह ही नहीं है हमें, ड्रेन भी नहीं। तो ड्रेन रखे हैं, ऐसे ड्रेन तो बनाए हैं, हम नहीं कह रहे हैं ड्रेन नहीं बनाए, लेकिन ड्रेन में आप खुद देखिए कि पानी निकलने के लिए निकासी है नहीं, तो कोई आता नहीं, इसको नालियों को साफ करते ऊपर से ढक्कन कर दिया खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कई बार तो हमने किया, हम तो गए जगह नाम क्या है, जगह है शारिका नगर है, शारिका नगर है लेन नंबर 3, 2, 1, 4, ये सारा एक ही जगह है 1 से 4 तक। एक ही जैसी हालत है मेन, हाँ बिल्कुल, आप एक एक गली में देखिए, आप देखिए हालात क्या है। ये यहाँ पर इस तरह से पानी जमा हुआ है कि शायद कोई व्यक्ति बीच पर से निकल सकता हो, मुश्किल बहुत है। हालांकि साइड में एक नाला बना है जिसको ऊपर से कवर कर दिया गया है, लोग वहां से चलते हुए आ रहे हैं, और अगर किसी गाड़ी ने गुजरना है तो यहीं से गुजरेगी, और आगे मलबा फेंका हुआ है, गली ये पूरी तरह से बंद है गाड़ियों के लिए, शायद 2-व्हीलर जा सकते हैं लेकिन वो भी लड़खड़ाते हुए। वहीं दूसरी ओर ये नाला तो बनाया गया है और आगे तक भी ये गया हुआ है, लेकिन इस समय ये पूरा नाला भरा हुआ है और पानी की बिल्कुल स्लोप नहीं है, पानी निकलता नहीं है, जिस कारण ये सड़क पे तो ब्लैक टॉपिंग हुई नहीं है। जब ब्लैक टॉपिंग शायद होगी तो शायद ये वाला सड़क का पानी भी इसके अंदर जाएगा, लेकिन अभी आपके जो विजुअल्स देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ है और कई जगह इसमें अभी जो कचरा भी फंसा हुआ है, और स्लोप शायद नहीं है जिस कारण पानी लबालब इन नालियों में भरा हुआ है, निकल नहीं रहा है। सुशील नगर वार्ड नंबर 32, ये तालाब टीलो से जो आप टूवर्ड्स आगे जाते हैं घो मनासा की तरफ, ये उस तरफ का ये इलाका आता है, और क्या कुछ काम है वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं पंडित गुरदारी लाल जी। गुरदारी लाल जी, एक बोर्ड इत्थे लगे रहा, एक बोर्ड इत्थे लगे रहा, वो तो शायद पार्क का है, तो ये मेरे ख्याल इधर का होना है जी। ये लात कुछले दे बने रहे थे ये पानी जमा, अभी तो कुछ रिसेंटली ये काम शुरू हुआ है। हाँ। कुछ दिन पहले। अच्छा। उसके बाद इसमें पीएचई डिपार्टमेंट की पाइप्स आ गई थी। अच्छा। वहाँ पे कुछ आपस में डिपार्टमेंट का था, फिर कुछ दिन पहले ये अपना क्या बोलते हैं इसकी पाइपें जो है पीएचई ने अपने लेफ्ट साइड कर दी हैं। अच्छा। अब ये फिर से काम कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, लेकिन विद इन डे में ये बारिश की वजह से मतलब काम बंद हो गया, लेकिन काम तो चल रहा है, लेकिन ये बारिश की है, इसमें पानी जब आता है फिर तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी, जैसे बारिश में पानी अंदर चला जाता है लोगों के घरों में। पहले तो ये ड्रेनेज नहीं था, तो पहले तो यही था, कोई एक फुट मतलब नाली थी बोले बस। उसके अभी यहाँ के काउंसलर साहब ने खुद ये करवाया है, आधे से ज़्यादा काम हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेकिन कुछ बचा हुआ हिस्सा, जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है ना, तो उसको पीएचई और इसमें म्यूनसिपैलिटी के बीच में कुछ था। वार्ड नंबर 32 के हमने हालात देखे, कुछ जगहें हमें काम हुआ दिखा, खासतौर पर अगर ब्लैक टॉपिंग का हो या फिर टाइल्स वर्क हो, हुआ हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम है पेंडिंग बचा हुआ है। और मुझे अभी यहाँ पर यहाँ के काउंसलर साहब भी मिल गए हैं, करलुपिया साहब, सतपाल करलुपिया जी। करलुपिया साहब, अभी कुछ काम हो रहा है, कुछ होना बाकी है, लेकिन बरसातों के समय में ही कहते हैं ना कि पता चलता है काम कितना हो रखा है, दिख रहा है। ये परेशानी से कब निजात मिलेगा लोगों को? ये बाल और बत्ती में हमारे दिया था 25 लाख रुपया जी। ये बड़ी देर से इनकी डिमांड थी, ये पानी बाहर नहीं जाता था हमारे इस मोहल्ले का पानी, अभी हमारे खेत हैं तो चलो खेत में चला जाता था, अतवता ये बाहर पानी नहीं जाता था। लेवल जो पुरानी नाली बनी थी उसका ढाल आगे होनी जाए तो वो पीछे थी। अब हमने 25 लाख में ये कंक्रीट का नाला बन गया है, तकरीबन यहाँ अगर वो बीच में पाइपें आ गई पीएचई की जी। और पीएचई की पाइपों की वजह से हमारे 2-3 महीने टूट गए, कभी वो टेंडर लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, तो इससे अब ठेकेदार आ गया है, उसने वो इसकी डी वाटरिंग करा कर तो पाइपें भी हमने चेंज करा दी हैं, तो शायद अगर आज मौसम ठीक हो गया तो कल से ये शुरू हो जाएगा, एक हफ्ते तक ये काम खत्म हो जाएगा। जो आपकी मेन सड़क है हमने उसकी हालत भी देखी अभी बरसात में, कई जगह जहाँ पे सड़क की ब्लैक टॉपिंग है, उसके अलावा जो कच्ची ज़मीन है वो डैमेज है, बाहर एक डंपिंग पॉइंट है, कूड़ा बाहर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, वो उसको रेगुलर नहीं होता उसको साफ सफाई? रेगुलर होता है, कोई 11:30-12 बजे गाड़ी आती है, वो पूरा साफ करके जाते हैं। हाँ। फिर भी जो लोग मोहल्ले में, हालांकि हमने 3 ऑटो लगा के रखे हैं इसमें बाड़ में, डोर टू डोर वो उठाते हैं कूड़ा। हाँ। कई लोग तो कहने के बावजूद भी जैसे ये है। हाँ।
यहाँ हमने सबको बोला है कि अगर कोई पैसा नहीं देना चाहता तो नहीं दे, हमें कूड़ा ऑटो में डालो, फिर भी लोग डालते हैं। अच्छा। रही बात उसकी, वो नाले का काम चल रहा है, वो 3 करोड़ 8 लाख का नाला है, वो सुंदरनगर से निकल कर बाहर आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो डैमेज हुई है सड़क वगैरह। और कृपया साहब, ये आपके साथ एक पब्लिक पार्क भी है, लेकिन इसके हालात किस तरह के हैं? मतलब तो मेंटेन नहीं करता कोई भी चलने के? नहीं, अभी हमारे पास एक दे दिया उन्होंने, जी जी जी, एक माली दे दिया हमें, अभी हमें एक माली दे दिया, फिलहाल कोई माली नहीं था, अभी हमें पिछले महीने से एक माली दिया है, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मगर इस वक्त हमने इसको 10 लाख रुपया दे दिया इसकी वो फुटपाथ की और इसकी लैंडस्केपिंग की। वो दोबारा बनेगी? वो दोबारा बन रही है, पहले ये पार्क नहीं था ना, ऐसे ही था ये, अब पिछला 5 लाख रुपया आया तो 5 लाख रुपये में ये फेंसिंग वगैरह इसकी चार्ज पे फेंसिंग करके जाते, मवेशी कुत्ते अंदर जाते थे वो बंद हो गए, अब 10 लाख ले आया है इसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसमें लैंडस्केपिंग होनी है और फुटपाथ जो है वो बनना है। एक ही वजह है कि जो नालियों से वो सिल्ट नहीं निकलती है, मलबा भरा रहता है और नालियों में चोक रहती है। मुलाजिम जो है वो सफाई कर्मचारी मेरी एरिया में बहुत कम है, कई वार्डों में तो 60-60 सफाई कर्मचारी है, 70 भी है, 50 भी है, 30 भी है, और सबसे कम वार्ड जो, हालांकि मेरी एक्सटेंडेड वार्ड हुई है, वहाँ मुझे सिर्फ 8 लड़के मिले हैं, और जो लोकल जो लड़के हैं वो काम करते हैं, खासकर जो हमारी जो पुरानी लेबर है वो काम नहीं करती है, तो छुट्टियाँ ज़्यादा मारती हैं। आज भी मेरे पास मेरे ख्याल 12-13 बंदे छुट्टी पर हैं। कुलदीप साहब, लगभग 3 साल होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को और 2 साल ही बचे हुए हैं, अगर 5 साल का टेन्योर देखें, आपको लगता है जो कुछ आप लोगों ने वायदे किए थे वो इन 5 साल के टेन्योर में पूरे कर पाएंगे? पूरे करेंगे, हाँ, मालिक ने चाहा तो पूरे करेंगे, पूरी की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आपका वार्ड भी एक्सटेंड हुआ है और बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, मगर मेरे एरिया में क्या है कि वहाँ जो MLA थे, कंसर्न थे ना, उन्होंने काम किया है वहाँ थोड़ा बहुत उधर काम, खासकर जो सुखनंदन की बाढ़ है, मेरे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, सुखनंदन की है, बाली भगत की और 7 CA की है। अच्छा। सुखनंदन का जो एरिया है वो उसमें कवर हुआ है, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की है, तो रही बात बाली भगत की, उसका थोड़ा एरिया है एग्रीकल्चर लैंड भी आपके एरिया में, बड़ी एग्रीकल्चर लैंड, लोग कहते हैं जी हमारे को एग्रीकल्चर लैंड थी, हमें तो रहने जाने देना था, हमको म्यूनसिपलिटी में डाल के आपने और भी, हमें भी थोड़ी मुश्किल आ रही है ना, एक गांव यहाँ 1-2 किलोमीटर पर है, अब वहाँ तो सड़क नाली का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता है ना, सफाई की भी तो हम वहाँ प्रॉब्लम है कि एक गार इधर है, एक महीले के बाद वहाँ सफाई की भी इतनी व्यवस्था, 2-3 मतलब वो लोग तो ये कहते हैं कि उनको तो कॉर्पोरेशन में आकर फायदा नहीं है, वो तो यही अपने आप को कहते हैं, बड़े लोगों से बात भी कहते हैं, वो तो अब गवर्नमेंट ने सोच का करना था ना, अगर इसमें इंक्लूड एरिया करना था, एग्रीकल्चर लैंड नहीं लेनी थी, ठीक है ना, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रीकल्चर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आए तो लोग बिकेंगी, बोला है वो तो लैंड थोड़ी रहेगी, वो तो लैंड बिकेगी, विस्तार करने की जरूरत है, तो ये गवर्नमेंट का देखना है, उसने नहीं लेना चाहिए था इतना एरिया, बहुत एरिया ज़्यादा है। चलिए, जो हमें समस्या वार्ड नंबर 32 में दिखी उसको लेकर हम काउंसलर साहब के पास भी आए और उन्हें अपनी बात भी रखी और उम्मीद ये जताई है कि 5 साल के टेन्योर में जो वायदे इन्होंने किए थे जो चुनाव के समय वो पूरे करेंगे, लेकिन बहुत काम होना बाकी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इलाका भी है और ज़्यादातर ऐसा इलाका है यहाँ पर पानी जो है वो वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत कम ध्यान देने की और लो लेवल एरिया है, जब तक प्रॉपरली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक इन वार्ड में समस्या जो है शायद ही खत्म होगी। वर्जनिस दीपक यादव के साथ ख्वाहिश पटेहार, स्टेट टाइम्स, वार्ड नंबर 32, जम्मू।